मैं हूं अजीत सर और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल न्यू टेक अजीत सर। न्यू टेक अजीत सर के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लेकर के आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में सभी लोग जानते हैं, चाहे वो मोबाइल यूज कर रहे हो चाहे वो कंप्यूटर यूज कर रहे हो। इंटरनेट ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको चलाने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, इन सभी चीजों को लेकर के आज हम आए हैं बताने के लिए कि आपको इंटरनेट के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है, इंटरनेट आपके लिए आया कैसे। पहले आप लोग सभी जानते हैं कि पहले इंटरनेट हमारे यहाँ नहीं था और हम दूसरे के नेटवर्क को यूज कर रहे थे, वो कौन सा नेटवर्क था इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और सबसे पहले नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपको सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। आइए हम लेकर के आए हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो मोबाइल के लिए है चाहे वो कंप्यूटर के लिए है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीजों से रिलेटेड जरूर उसमें आता है, इसलिए इन चीज को बारे में जानना जरूरी है। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क कहने का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व को ये एक जगह से दूसरे जगह डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। इसमें क्या होता है, इसको चलाने के लिए आपको एक ISP की जरूरत पड़ता है। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए हमको कनेक्शन देते हैं। जैसे आपके पास जब तक ISP नहीं रहेगा, कोई ऐसा जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा हो, अगर नहीं है तो आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल रख लिए कंप्यूटर रख लिए तो आप इंटरनेट चलाने लगेगा, ऐसा नहीं है। उसको चलाने के लिए आपको ISP की आवश्यकता होता है। ISP कहने का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट प्रदान कर रहे हैं। जैसे भारत में सबसे पहले जब इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था तो हम लोग जो यूज करते थे, सबसे पहला जो नेटवर्क आया था वो था VSNL। VSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये हम लोगों के पास भारत में पहला नेटवर्क बना था, जो हम लोग हमारे यहाँ जब अपना नेटवर्क नहीं था तो हम विदेशों का नेटवर्क यूज करते थे, दूसरे देशों का नेटवर्क यूज करते थे और वो हमारे यहाँ आकर के ये नेटवर्क लगाए थे और उसी से हम लोग धीरे धीरे अपना नेटवर्क विस्तार करने लगे। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे जो पहला नेटवर्क लगा था भारत में वो था VSNL, जिसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसके बाद आया BSNL। जब BSNL आया, ये हम लोगों का भारत का अपना नेटवर्क बना BSNL, इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। और ये जो नेटवर्क जब से आ गया तब से हम लोग के पास अपना इंटरनेट का फैसिलिटी हो गया और हम लोग अपना इंटरनेट यूज करने लगे। अब हम लोग के पास आता है कुछ ऐसे भी, जैसे भारत सरकार जो थी वो क्या थी कि नेटवर्क को फैलाने के लिए, नेटवर्क के कनेक्शन को थोड़ा हाई स्पीड बढ़ाने के लिए उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व कर लिया और प्राइवेट कंपनियां भी अपना नेटवर्क डेवलप की, जिसका नाम है जैसे आप यूज करते हैं आज एयरटेल यूज करते हैं, आइडिया यूज करते हैं, जियो यूज करते हैं। ये सब जो चीज है, ये जितने भी कंपनियां हैं ये सब आपको ISP का काम कर रही है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रही है। अब इसमें से भी जिस तरीके से कंपनियां धीरे धीरे हाई स्पीड कर रही है तो उसमें से हाई स्पीड जब बढ़ने लगा तो धीरे धीरे आया 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया। इस तरीके से नेटवर्क का जो स्पीड है, इंटरनेट का जो स्पीड है धीरे धीरे डेवलप होने लगा और आने वाला टाइम में हो सकता है 7G भी आ सकता है। तो इसलिए ये जो नेटवर्क, अब इसमें स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता क्यों किया, पहले हम लोग क्या करते थे, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते थे या प्राप्त करते थे, तो जब भी हम लोग करते थे तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था, इसलिए इसको स्पीड को बढ़ाने की जरूरत पड़ रहा था। इसलिए कंपनियां इस चीज में लगी रही और आज हम लोग को 2G 3G 4G प्रदान कर रही है। तो आप लोग को आज ये समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट को चलाने के लिए हम लोग के पास क्या जरूरी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस कंप्यूटर है मोबाइल है तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपको इसके लिए स्पीड की भी जरूरत होता है। इसलिए अब जो नेटवर्क है 2G 3G 4G 5G में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे नेटवर्क लग रहे हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है। थैंक यू।